हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट एज 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। अच्छा, कह रहा है जिस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले इस लाइन का हमें क्या पता करना पड़ेगा, स्लोप पता करना पड़ेगा। 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y को इधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 4x प्लस 12 बाई 4। यहाँ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 1 जो 4 3 जो यहाँ हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 3 बाई 4x, ठीक है, प्लस 3। इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या m1 की वैल्यू कह सकते हो, 3/4 आ गई। क्लियर है? ये वाली लाइन का स्लोप और जिस स्ट्रेट लाइन के आपको इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप आपस में क्या होगा, यानी आपस में क्या रिलेशन होगा इन दोनों के स्लोप का? दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है आपका, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो m1 m2 मान लेते हैं हम, जिस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 बराबर हो गया। m1 कितना आ गया, 3/4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m2 की यहाँ -1 है, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो जाएगा -4/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट डायरेक्ट नहीं दिया है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, तो निकाल लेंगे बेटा। y इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है कि y एक्सिस पे आपका y इंटरसेप्ट आ रहा है, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार फिर से, y इंटरसेप्ट का मतलब ही है कि कोई सा पॉइंट आपका y एक्सिस पे आ रहा है, और अगर वो y एक्सिस पे आ रहा है तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 रख दोगे। 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू जो 0 दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो जाएगा 2 × 0 माइनस 5 प्लस 5। माइनस वाई को इधर भेज दो, तो जाएगा 0 + 5 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट क्या बनेगा, मान लो उस पॉइंट को सी मान लो, तो सी पॉइंट क्या बनेगा, एक्स कॉमा वाई बनता है। एक्स तो 0 है क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, कॉमा वाई, वाई की वैल्यू है 5। एक्स कॉमा वाई बनता है तो 0, 5 आ गया। एक्स तो 0 होता है क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। अब देखो, अब आपको उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है जिसकी आपको इक्वेशन पता लगानी है, जो कि m2 है, और एक कोऑर्डिनेट दिया है 0, 5, या एक पॉइंट दिया है जहाँ से वो लाइन पास कर रही है। तो इन दोनों की इक्वेशन नहीं पता लगा पाओगे इन दोनों की हेल्प से। इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता कर लोगे ना, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की यहाँ वैल्यू कितनी है, 5 है। m की वैल्यू कितनी है, -4/3 है। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। 3 इधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा 3y-15। -4 को x माइनस 0 तो x हो जाएगा, -4 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x। -4x को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y-15 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा अच्छे से, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर नहीं चेक करेंगे तो गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, 4 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 5y + 15 इज इक्वल टू 0। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, देख लो, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। इसका क्या निकालोगे, इस इक्वेशन का स्लोप निकालोगे इस लाइन का, 3x प्लस 5y + 15 इज इक्वल टू 0। 5y को इधर भेज दो, या 5y को इधर ही रखो, -15 और 3x को इधर भेज दो, तो हो जाएगा -3x - 15। y की वैल्यू कितनी आएगी, -3/5x + -15/5। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आई, -3/5x, 5 × 5 = 3 आंसर कितना आ गया, +-3। क्लियर है बेटा अच्छे से। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 की वैल्यू आ जाएगी -3/5। क्लियर है? अब देखो,
आपको स्लोप पता चल गया है। अब यही स्लोप उस लाइन का भी होगा जो इस लाइन के क्या है? तो सुन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं बताता चला गया, वीडियो बंद हो गई, उसके लिए माफ़ करिएगा। यानी आपको रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता चल गया है, ठीक है, और आपको एक पॉइंट दिया है 0,4। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू यहाँ 4 दी है 0,4 में, m की वैल्यू -3/5 है, x माइनस 0 करोगे तो x ही रहेगा पलट के, 5 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 से, तो जाएगा 5 5 -20 इज इक्वल टू -3x। क्लियर है, ये हो जाएगा -3x, ठीक है ना। -3x को इधर इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जाएगा 3x + 5y - 20। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना क्या दिया है। कह रहे राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द 3x + 8y + 12 इज इक्वल टू 12, सॉरी 3x + 8y इज इक्वल टू 12 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -2। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। एक ही टाइप के क्वेश्चन बेटा रिपीट हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको 3x + 8y इज इक्वल टू 12, तो 8y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3x + 12। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/8x, ठीक है, +12/8। इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, करना चाहो तो कर दो, 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है, 3/2 आएगा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3/8। आपस में क्या है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए वो वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, जो लाइन हमें चाहिए जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। तो m1 × m2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/8। m1 की वैल्यू, सॉरी -3/8 नहीं, दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, ठीक है। m1 की वैल्यू है -3/8 × m2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे -1, ठीक है। माइनस साइन से माइनस साइन एलिमिनेट हो गया, 8 इधर जाएगा, 3/2 में आ जाएगा, आंसर कितना आ गया, 8/3। क्लियर है, एक आपको पॉइंट दिया ही हुआ है, -1, -2 से पास कर रही है लाइन, तो लगा दो इक्वेशन, y - y1 = m x - x1। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो, y1 कितना है आपका, y1 है आपका -2, m कितना है 8/3, x - x1 कितना है -1, ठीक है। तो हो जाएगा y + 2 3 8x + 1, हो जाएगा 3y + 6 = 8x + 8, सबको उधर भेज दो, तो हो जाएगा 8x - 3y + 8 - 6 = 0, तो होगा 8x - 3y + 2 = 0। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ, ओके। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है द लाइन 4x - 3y + 12 मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कह रहा है मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए, अच्छा अगर एक्स एक्सिस पर मीट कर रही है तो इसके लिए वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वाई पर मीट करती तो एक्स 0 हो जाता, ये तो क्लियर है, ठीक है। सोल्यूशन देख लो, यानी इस इक्वेशन में 4x - 3y + 12 = 0 में आप y की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो हो जाएगा 4x - 3 × 0 + 12 = 0, तो हो जाएगा 4x + 12 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -4x = -12 हो जाएगा, +12 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/4, 4 1 जाए 4 3 जाए, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3 आ गई। क्लियर है, तो आपका ए पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई होता है वो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 है, और वाई की वैल्यू 0 है, तो -3, 0 हो गया। क्लियर है, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये ए कॉर्डिनेट लिख लो, याद होना चाहिए आपको, -3, 0 है जो भी निकाला है, ठीक है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो देखो इसका सोल्यूशन देखो, कह रहा है लाइन के परपेंडिकुलर है, पहले इसका स्लोप निकालेंगे, 4x - 3y + 12 = 0, तो 4x + 12 = हो जाएगा 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3x + 12/3, 3 1 जा 3 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3x
प्लस थ्री वन जा थ्री फोर जा। इस इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वन की फोर बाई थ्री। अब कह रहा है ये वाली लाइन और जिस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन के बराबर होगा दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। तो एम वन और एम टू का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस वन। एम वन की वैल्यू है फोर बाई थ्री इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। थ्री इधर शिफ्ट होगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन में फोर अपॉन में आ जाएगा। फोर इधर शिफ्ट हो जाएगा, थ्री इधर गया, थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस थ्री हो गया, फोर अपॉन में आ गया। ठीक है, स्लोप पता चल गया आपको रिक्वायर्ड लाइन का, एक पॉइंट दिया है, इक्वेशन निकाल लो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस। यहाँ पे वाई वन कितना है, जीरो है, ठीक है ना। एम कितना है, माइनस थ्री बाई फोर है। एक्स माइनस एक्स वन कितना है, माइनस थ्री है, ठीक है। तो देखो फोर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा फोर वाई। क्लियर है बेटा, अच्छे से अब इसके बाद समझना। ओके, तो हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। तो होगा फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन। ओके, माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन को दोनों साइड को इधर शिफ्ट कर देती हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखो क्या लिखा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू द 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,7 एंड माइनस 4,1। इसका सोल्यूशन देख लो, काफ़ी आसान है सोल्यूशन। अब देखो 2,7 और माइनस 4,1 का पहले मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ऑफ 2,7 एंड माइनस 4,1 कैसे निकलेगा, निकाल लो x डैश मानना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y ऑलरेडी दिया हुआ है, कैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2 और माइनस 4 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन में 2। 2 माइनस 4 आएगा माइनस 2 अपॉन में 2, कितना आया माइनस 1। y डैश निकाल लो, 7 प्लस 1 अपॉन में 2 तो हो जाएगा 8 अपॉन में 2। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा इसको m मान लो, m फॉर मिड पॉइंट, कितना आया माइनस 1,4। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है वो पैरेलल है इस लाइन के, 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे और जो इसका स्लोप होगा वही आपकी रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x, ये उधर जाएगा तो जाएगा प्लस 7। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है, एक्स प्लस 7 अपॉन 5। क्लियर है ना, अच्छा बाकी इधर कर लो, इसको कंपेयर करो तो एम वन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को कंपेयर करो कितना आएगा, एम वन की वैल्यू माइनस 2/5। और जो इसकी स्लोप की वैल्यू आई है वही आपके रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप की वैल्यू होगी, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं और पैरेलल में दोनों का स्लोप बराबर होता है दोनों लाइन का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही तो होगा ना। y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखो y1 की वैल्यू 4 होगी, m कितना है माइनस 2/5 है, ये देखिए x माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे माइनस 1 होगी, लिख दीजिए, क्लियर है, शिफ्ट कर देती हो जाएगा 5y माइनस 20। 5 जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया y माइनस 4 से, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1, तो हो गया माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 20, माइनस 2x माइनस 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 20 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो हो गया 2x प्लस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।